लायन न्यूज चैनल में मैं हूं अब्दुल अमीन। दोस्तों, अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले ताकि इस तरह के आने वाले मजीद वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। ठीक है, तो आज है 12 तारीख, सखर आईबीए का पेपर मेरे जो आउट हुआ है वो मेरे सामने है। ठीक है, उनको हल करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये वो पेपर है। ठीक है, ये जो फ्रंट पेज जिनकी टोटल 100 MCQs हैं और टेस्ट टाइम भी 100 मिनट्स हैं। ठीक है, नेगेटिव मार्क्स कोई नहीं है। ये इंग्लिश का पेपर है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के MCQs हैं। ठीक है, ये तकरीबन 10 MCQs हैं। ठीक है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के। इसके बाद है इनका साइनोनिमस एंटोनिमस, एरर डिटेक्शन के 5 MCQs हैं, प्रीपोजिशन के 5 MCQs है, सेंटेंस स्ट्रक्चर के 5 है और उसके अलावा करेक्ट स्पेलिंग के 5 MCQs हैं। उसके बाद आती है मैथ के ये MCQs है। ठीक है, और उसके बाद आता है जनरल नॉलेज। तो आज अभी जो मैंने सॉल्व किया है वो क्या है, जनरल नॉलेज का पोर्शन। ठीक है, उसके बाद मैं इंग्लिश का भी करूँगा, मैथ का भी करूँगा। ठीक है, तो पहले जो द कैपिटल ऑफ ईरान, ईरान की कैपिटल कौन सी है। ठीक है, ये हमें, तो ईरान की कैपिटल है तेहरान। ठीक है, द श्राइन ऑफ ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह इज लोकेटेड इन, इसका सही जो ऑप्शन है वो है राजनपुर। अरेबिक इज़ नॉट एन ऑफिशियल लैंग्वेज, किसकी, तुर्की की। वो आथर लॉन्ग वॉक फ्रीडम, ये इस क्या है, नीलसन मंडीला का ये आथर है। ठीक है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज लैंड लॉक सी। ठीक है, इनमें से कौन सा है, ये सी ऑप्शन सही है, एरल सी। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज हैज़ मोस्ट अल्फाबेट्स, तो बाबा हुआ सिंधी बोलिया जंजा वधिक अल्फाबेट। ठीक है, और तिब्बत एज एन ऑटोनोमस रीजन ऑफ, तिब्बत ऑटोनोमस रीजन किसकी, चाइना की। ऑफिशियल करेंसी ऑफ यमन, यमन की क्या है, ऑफिशियल रियाल। ठीक है, प्लस 92 इज द कंट्री कोड ऑफ पाकिस्तान, टॉम बाबर द फर्स्ट मुगल एम्पीरियर काबिल, और नेशनल फ्लावर ऑफ पाकिस्तान इज जासमीन, द सेकेंडरी जनरल ओएस इज इलेक्टेड ऑफ 5 years। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग GMT5 इज पाकिस्तान, पाकिस्तान का स्टैंडर्ड टाइम है। ठीक है, द लैंड ऑफ कैंगरोज इज ऑस्ट्रेलिया, व्हिच कंट्री वॉन ICC कप 2022। तो इनकी सही जवाब है सी, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, और व्हिच डिजीज हैज़ कास्ट ड्यू टू विटामिन डी, तो इनकी है क्या, रिकेट्स। फैट्स आर फाउंड इन फॉलोइंग एक्सेप्ट, आयल में फाउंड किया जाता है। ठीक है, ये हुई इसकी जनरल नॉलेज। दूसरा जो ऑप्शन हम करेंगे वो करेंगे इंग्लिश, मैथ और ज़्यादा जो रहते हैं कंप्यूटर का पोर्शन।